लेकिन आगे बढ़ते हैं शो में और आनंद राठी के माफ कीजिएगा मेहुल से तो हमारी बात होगी। फिलहाल देखें तो एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह है हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट पे व्यू बुलिश रहेगा, जैसे आपका मंथली एक्सपायरी में हमने निफ्टी में एक अपमूव देख रहा है। निफ्टी एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन से इंट्राडे चार्ट पे बना रहा है। 17,850-860 एक इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 17,900-950 के लेवल भी बता देगा। सो व्यू यहाँ से बुलिश ही है करंट लेवल से। सिंस मंथली एक्सपायरी है, आप एक 0-0 ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आप 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, जो अभी 22-23 रुपीज के आसपास चल रहा है। 0-0 ट्रेड है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में 44 से लेकर 50 रुपीज के। सो जहाँ तक एक्सपायरी की बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 17,900 के आसपास एक्सपायर होगा। जिस हिसाब से आज आईटी में मोमेंटम है, आईटी ने काफी हेल्प किया है निफ्टी को ऊपर के साइड पुश करने में। मेजर जो डाउनसाइड या रिस्क जो पोजेस करता है वो है रिलायंस। जब तक रिलायंस पार्टिसिपेट करना नहीं स्टार्ट करेगा तो शायद निफ्टी साइडवेज की एक्सपायरी दे दे, पर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाएगा, रिलायंस का भी पार्टिसिपेशन आएगा और आईटी जैसे कि स्ट्रांग है कि आउट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे रहेगा। सो जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली देख चुके हैं। बैंक निफ्टी 43,000 एक इमीडिएट हर्डल है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है कॉल ऑप्शन के साइड। सो मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी 42,900 43,000 के रेंज में ही एक्सपायर शायद हो जाएगा। व्यू बुलिश ही है करंट लेवल से, हम और भी 100-150 पॉइंट की रैली अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सपायरी 43,000 के आसपास या उसके नीचे ही होगी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 43,000 को बैंक निफ्टी ब्रीच कर देगा। लोअर एंड पे जो सपोर्ट है वो है 42,600 का। जब तक 42,600 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक व्यू बुलिश ही रहेगा। 42,600 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक बना हुआ है, व्यू आपका जो है पूरी तरीके से बुलिश होगा। तेजी यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकती है। 43,000 तक के स्तर आपको निफ्टी बैंक पर देखने को मिलेंगे। 17,850 की कॉल ऑप्शन भी आपने रिकमेंड की। हीरो जीरो ट्रेड है जहां पर 44 से 50 तक के टारगेट्स हैं, 0 का स्टॉप लॉस है। रिस्की आइडिया, इसका जरूर ध्यान रखना है। फिलहाल 22 से 23 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इंडेक्स आपने समझा दिया, अब स्टॉक्स भी बताइए। जैसे कि हमने कहा कि मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और जैसे कि हमने आईटी की बात की कि आईटी आज ऐसा सेक्टर है जहां पे क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो मेरा वहां से टॉप पिक रहेगा एलटीटीएस। एलटीटीएस ने जिस हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया हुआ है, तो डेफिनेटली एक बड़ा अपमूव के लिए एलटीटीएस ऑलरेडी रेडी है। स्टॉक ऑलरेडी 8% ऊपर है, तो आपको कोई डिप मिलती है तो वो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 3650-3700 जोन आपका आइडल जोन रहेगा लॉन्ग पोजिशन अक्यूमुलेट करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक को अपसाइड में एटलीस्ट 3900 से लेकर 3975 के टारगेट दिखाने के लिए। जो लोअर एंड पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक के लिए वो है 3600 का। तो 3600 के स्टॉप लॉस से आप एलटीटीएस को करंट लेवल से बाय कर सकते हो, जहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकआउट आया है और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने पूरे आईटी के सेक्टर में देखी है। जो सेकेंड स्टॉक है जो मुझे करंट लेवल से भी लॉन्ग साइड पे लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि बैंक रिव्यू बुलिश है, आईसीआईसीआई बैंक अभी भी हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, 917 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग कर सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे वो है 908 का। मैं जो टारगेट अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 923 से लेकर 930 के। 923 से लेकर 930 तक के टारगेट्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर फोकस करके चलना। साथ में अगर आप देखें तो 8% के बड़े मूव के बाद एलटीटीएस पर अभी भी कन्विक्शन है, नतीजे अच्छे हैं, शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा है, बढ़िया तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 3600 रुपए का सिस्टम में स्टॉप लॉस लाकर आप करेंगे खरीदारी और आईसीआईसीआई बैंक 908 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर भी फ्यूचर्स में बनानी है आपको पोजिशन। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन 2 ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे।